कॉलोनी के टिकैत विहार में मीटर रीडरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बिलिंग कार्य में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सैलरी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बिलिंग कार्य करने से साफ मना कर दिया। सभी मीटर रीडरों की मांग थी कि कंपनी 6,000 रुपये सैलरी दे रही है, जिससे घर का चलाना मुश्किल हो रहा है। आए दिन कंपनी नए नए नियम निकालती है और कंपनी के कर्मचारी मीटर रीडरों को परेशान करते हैं। कई बार कार्य क्षेत्र पर मीटर रीडर के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसकी सुनवाई न तो विभाग में होती है न ही कंपनी में। मीटर रीडर विभाग, कंपनी तथा दबंग उपभोक्ता सभी मीटर रीडरों का शोषण कर रहे हैं। सभी मीटर रीडरों ने मांग की कि कंपनी मैनेजर को दिया, जिसने 15,000 रुपये सैलरी, एक फोन में लेजर पेंटर की व्यवस्था की जाए, तब तक तब भी मांगे पूरी नहीं होती, बिलिंग कार्य बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। किस तरह का प्रदर्शन है? हमारी मांग ये है भैया, सैलरी से संबंधित है। हम यहाँ पर मीटर रीडर इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा यहाँ पर ऑफिस है। हमारी मांग ये है कि हमारी सैलरी 15,000 रुपये की जाए, जबकि हम मीटर रीडर है, बिल बनाते हैं बिजली के घर घर जाकर, लेकिन हमें सैलरी मिलती है 5-6 हज़ार रुपये, जिसमें हमारा मोटरसाइकिल का खर्चा भी है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है, घर का घर के में कोई बीमारी हो जाए उसमें दवा दारू की। आप ही बताओ 5-6 हज़ार रुपये में क्या घर चल सकता है, या फिर भी ये पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है? कंपनी के इतने नियम है हमारे ऊपर प्रेशर के, कई प्रोब से बिलिंग बुलाओ, अच्छा और ये करो, रजिस्टर मेंटेन करो, और पैसे देने के नाम पे हम जब सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं तो ये कहते हैं अरे कि सैलरी कर तो नाम ही मत लो बढ़ाने का। तो आज हम सब लोगों ने ये इकट्ठा होके कहा है कि हमारी मांग है कि हमारी सैलरी कम से कम 15,000 रुपये तो दो, जिससे हमारा घर गृहस्थी का, अच्छा हमारा जो बाइक का खर्चा है, पेट्रोल डीजल का है, बच्चों की स्कूल के फीस की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, तो आपकी रणनीति क्या होती? अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती, अगर हमारी 15,000 रुपये तनख्वाह नहीं होती, तो हम बिल नहीं बनाएंगे। हम तब तक बिलिंग हम रोक के रहेंगे, ना बनाएंगे ना हमारी बिलिंग नहीं होगी, हड़ताल पर रहेंगे। हम हड़ताल पर रहेंगे।